अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस को लिखा जाता है HE+2। इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल की जब भी बात होगी तो अल्फा पार्टिकल से मुराद क्या है, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब स्टेटमेंट क्या है, इन ब्रिंगिंग एन अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स अ प्रोटॉन, प्रोटॉन भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन की तरफ लाया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स यहां पे जरा सोचिएगा, दोनों पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स किस नेचर की होगी, रिपल्सिव नेचर की। और अगर अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन की तरफ हम खुद से ला रहे हैं, इसका मतलब है हमने उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो है वो एक फोर्स अप्लाई की, और उस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स या अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स जो नेचुरली उनके दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है उसके अगेंस्ट मूव करवाया। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमने लास्ट टेस्ट में भी डिस्कस किया था, और हमने वहां पे एक शॉर्टकट बनाया था कि जब भी पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स मूव किया जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जब भी पार्टिकल को किसी चार्ज पार्टिकल को अलोंग द इलेक्ट्रिक फोर्स मूव किया जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिक्रीज होगी। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या मिली, इन ब्रिंगिंग एन अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स अ प्रोटॉन, मींस हम जो है वो चार्ज पार्टिकल अल्फा को मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पूछा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स मूव करने पे हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो क्वेश्चन 101 का आंसर भी हमारे पास क्या है, इट इज डेल्टा, जिसमें लिखा गया है इंक्रीजेस।